नमस्कार, मैं हूं निखिल कुमार और आप देख रहे हैं पंजाब केसरी डॉट कॉम का टॉप 20। कोरोना के नए मामलों ने तोड़ा 8 महीनों का रिकॉर्ड, 24 घंटे में 3 लाख से ज्यादा मामले हुए दर्ज। चुनाव आयोग का बड़ा फैसला, आयोग ने चुनावी खर्च के लिए बनाए नए और सख्त नियम। दिल्ली सहित उत्तर भारत के कई राज्यों में ठंड का कहर जारी, बारिश के हैं आसार। कांग्रेस की पोस्टल गर्ल प्रियंका आज ज्वाइन कर सकती हैं भारतीय जनता पार्टी, टिकट नहीं मिलने से है नाराज। चीनी सेना ने सीमा से भारतीय युवक को किया अगवा, राहुल बोले पीएम की बुजदिल चुप्पी है उनका बयान। चीनी सेना ने सीमा से भारतीय युवक का किया अपहरण, एमपी तापिर गांव ने मोदी सरकार से लगाई मदद की गुहार। असम मेघालय सीमा विवाद को लेकर अमित शाह से आज मिलेंगे मेघालय सीएम संगमा और असम सीएम हेमंत बिस्वा। आजादी के अमृत महोत्सव की हुई शुरुआत, पीएम मोदी ने दिखाई हरी झंडी। देश में अब तक कोविड रोधी टीके की 159.54 करोड़ से ज्यादा दी गई खुराकें, स्वास्थ्य मंत्रालय ने दी जानकारी। सरकार ने लिया बड़ा फैसला, जल्द ही बाजारों में मिल सकेंगी कोविशील्ड और कोवैक्सीन। पैरालंपिक गोल्ड मेडलिस्ट अवनी लेखरा के पास पहुंची कस्टमाइज महिंद्रा XUV 700, आनंद महिंद्रा ने किया स्पेशल ट्वीट। यूपी एमपी समेत कई राज्यों में घना कोहरा बना, रेलवे के लिए मुसीबत, विजिबिलिटी घटी, 13 ट्रेनें लेट। वैक्सीनेशन को लेकर बलिया में जबरदस्त ड्रामा, कोई पेड़ पर चढ़ा तो कोई टीम से उलझा, वीडियो हुआ वायरल। लगातार 2 दिनों से हो रही गिरावट से शेयर मार्केट में इन्वेस्टर्स के डूबे 5.15 लाख करोड़ रुपए। शेयर बाजार में लगातार बड़ी गिरावट, ज्यादातर स्टॉक्स खुले गिरावट। विदेश मंत्री एस जयशंकर ने फिनलैंड के विदेश मंत्री के साथ की अफगानिस्तान समेत कई मुद्दों पर चर्चा। पीएम मोदी और मॉरिशस के पीएम पी जगन्नाथ 20 जनवरी को परियोजनाओं का करेंगे उद्घाटन। पाकिस्तान के एनएसए ने रद्द किया अफगानिस्तान का दौरा, शर्मिंदगी से बचने के लिए उठाया कदम। ब्रिटेन में धीमी हुई तीसरी लहर की रफ्तार, वर्क फ्रॉम होम हुआ खत्म, मास्क से भी हटी पाबंदी। वैश्विक स्तर पर नहीं थम रहा है कोरोना का कहर, 33.71 करोड़ पहुंचा संक्रमितों का आंकड़ा। ऐसी ही तमाम बड़ी खबरों से जुड़े रहने के लिए बने रहिए पंजाब केसरी.com के साथ।